दांतों की और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? दांतों में दर्द, दांतों का खोखला हो जाना और दांतों में इन्फेक्शन। कि दांतों की बहुत बड़ी खराबी का जो कारण है वह है भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतों को स्वच्छ न करना। कब्ज और गैस, सड़ी हुई वायु विकार से भी हमारे दांतों को परेशानी होती है। अगर दांत में बहुत दर्द हो रहा हो और गर्म पानी के कुल्ला करने से भी ठीक ना रहा हो रहा तो लौंग का तेल मिल का फीजा रखने से भी बहुत आराम मिलता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आजकल दांतों की बहुत सी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये दांतों की बीमारियां होती क्यों हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? अगर व्यक्ति को सही ज्ञान हो कि हम दांतों को बीमार न होने दें, यदि बीमार हो जाए तो उनकी सही प्राकृतिक घरेलू चिकित्सा कैसे करें, तो हम जीवन पर्यंत अंतिम समय तक तो दांतों का उपयोग कर सकते हैं। दांत केवल भोजन के चबाने के ही काम नहीं आते हैं, बल्कि मुंह की सुंदरता को कायम रखने में भी काम आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चारण बोलने में भी दांत हमारे सहायक होते हैं। यदि किसी कारण से हमारे दांत एक एक करके गिर जाएं या कुछ गिर जाएं तो फिर बोलने में दिक्कत होती है और चेहरे की सुंदरता भी खत्म हो जाती है, और भोजन ठोस भोजन के चबाने में तो बेहद परेशानी होती ही है। इसलिए कुदरत ने या भगवान ने दांतों को 32 दांतों को बनाया है। इसलिए कोई आवाज नहीं कर सकता है कि मेरे जिंदगी में मुझे कभी भी कोई दांतों के कष्ट नहीं हो सकते। मेरे बहुत ही आदरणीय हैं श्री प्रेमचंद जी गुप्त, वो 93 ईयर्स के हैं, 93 वर्ष के हैं, और उनके आज तक न कभी कोई दांत का कष्ट हुआ और न ही उनके कोई दांत एक भी दांत गिरे हैं। यानी पूरे के पूरे 93 वर्ष की उम्र में 3200 दांत मौजूद हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके दांत न गिरने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को सोने से पूर्व अवश्य मंजन करता हूं, और मंजन में भी क्या करते हैं, प्रायः सेंधा नमक में सरसों का तेल डाल मिला करके उस दांतों को अच्छी प्रकार से साफ करते हैं। कि दांतों की बहुत बड़ी खराबी का जो कारण है वह है भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतों को स्वच्छ न करना। सवेरे दांतों की अच्छी प्रकार से स्वच्छ न करना, और सबसे बड़ी बात है कि रात को सोने से पहले बहुत कम लोग दांतों को साफ करते हैं, उनमें मैं भी एक हूं। लेकिन मैं इधर कुछ दिनों से, जब से मुझे दांतों की तकलीफ हुई तब से मैं साफ करने लगा हूं और मुझे बहुत लाभ हुआ है। तमाम चीजों से अध्ययन करने के बाद समझ में ये आया कि दांतों की कैसे रख। याद है कि आज से मेरे पास कई ऐसे रोगी आए जिनकी दांत की हालत देख करके मैं बयान नहीं कर सकता कितनी विकृति थी, पर मेरे गुरुदेव ने एक प्रयोग बताया था उन्होंने, और इस प्रयोग को मैंने किया भी। उनको मैंने बताया कि दिन में 3 बार नीम के तेल को थोड़ी मात्रा में मुंह में भर करके 5 मिनट उसको रोके रहें और उसके बाद कुल्ला कर लें। अगर अधिक कष्ट हो तो 10 मिनट रोके रहें और तेल को हिलाते रहें, जीभ के द्वारा हर एक दांत में तेल को पहुंचाते रहें, हल्का सा गरारा भी कर लें उसी तेल से। और बहुत कष्ट हो, यहाँ तक कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर हो सकता है,
दिन में 3 बार 15 मिनट नीम के तेल को मुंह में भरे। इसको आयुर्वेद में गंडूस कहते हैं। और आयुर्वेद में एक तेल है, उसका नाम है इरिमेदादी तेल। ये तेल भी लोग मुंह में भर करके प्रयोग करते हैं और उन्हें बहुत लाभ होता है। इरिमेदादी माने होता है काली मिर्च। ये काली मिर्च का तेल है, इसमें कुछ और मिलाया गया है। और एक बहुत बड़ी रहस्यमय चिकित्सा पद्धति है, उसका नाम है शिवाम्बू। शिवाम्बू को भी अगर हम सुबह शाम और भोजन के संभव हो तो भोजन के बाद यदि हम देखो शिवाम्बू को कुछ देर मुंह में भर लें, उसको भरे रहें दांतों से, जीभ के द्वारा हर दांत के पास उसको मालिश करें, तो शिवाम्बू से भी लोगों को बहुत लाभ होता है। आजकल मंजनों का बहुत प्रचार है, समझ में नहीं आता कि किसका मंजन अच्छा है किसका मंजन खराब है। मैं उस विवेचना में नहीं पढ़ रहा हूं, पर मुझे याद है कि जब मैं बचपन में गांव में रहता था, हम तो नीम की दातून से मंजन करते थे। अगर नीम की दातून न मिले तो बबूल की दातून से भी दांत साफ कर सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे पिताजी जीवन भर नीम की दातून का प्रयोग किया है और मैंने नहीं सुना कि अभी उनको दांतों की तकलीफ है। इसके अलावा आप जो है मैं जो सज्जन 93 वर्ष के हैं श्री प्रेमचंद जी गुप्त, तो उनको भी कभी मंजन नहीं करते। वो हथेली में सेंधा नमक रख लेते हैं, उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालते हैं और उससे वो दांतों को मसाज भी करते हैं और मंजन भी करते हैं, पानी से धो लेते हैं। कि सरसों का तेल और सेंधा नमक का मंजन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार से भोजन के पश्चात अगर आप छोटी हर का कोई टुकड़ा डाल लें, काली मिर्च 1-2 डाल लें, अकरकरा की जड़ी आती है। अकरकरा तो दांतों के रोगों के लिए रामबाण मानी गई है। अकरकरा की जड़ी के नाम से कुछ लोग अकरकरा का मंजन भी बनाते हैं। अब वो भगवान जाने कि अकरकरा की जड़ी असली है नकली है, मेरा विषय नहीं है, पर अकरकरा की जड़ भी बहुत ठीक करती है। हाँ, अगर आपकी दांतों में गड्ढा हो गया है, छिद्र हो गया है, उसकी जड़ बिल्कुल खोखली हो गई है, तब तो मैं यही कहूंगा कि किसी अनुभवी दंत विशेषज्ञ के पास जाएं और उससे प्रार्थना करके उसको निकलवा दे और गड्ढों को प्रॉपर मैनेजमेंट से भर ले। दांतों में प्रायः 3 प्रकार की तकलीफें होती हैं। दांतों में दर्द, दांतों का नीचे से खोखला हो जाना और दांतों में इन्फेक्शन। आजकल जो है, क्योंकि लोग प्राचीन जड़ी बूटियों को भूलते जा रहे हैं, सरल सस्ते बिना पैसे वाले प्रयोग लोग नहीं पा रहे हैं। मैं D5 चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जो लोगों को संदेश पहुंचा रही हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा हमारी सनातन संस्कृति के बचाने का प्रयोग है। मैंने देखा है कि काली मिर्च मुंह में डाल लीजिए, चाहे आप ये अकरकरा की जड़ी डाल लीजिए, चाहे छोटी हर डाल लीजिए और चाहे तीनों मिला लीजिए, इनको चबाने से, इनके चूसने से भी बहुत लाभ होता है। आजकल जरा से कोई तकलीफ हुई, दांत में दर्द हुआ तो पेन के दर खाने लगते हैं, जरा सा इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जरा सी सूजन हुई तो एंटी इन्फ्ले लेते हैं। सच में इन चीजों से तुरंत तो लाभ होता है, पर इन केमिकल दवाओं के जो दुष्परिणाम आपको आगे भुगतने पड़ेंगे या भुगतना पड़ता है, वो बड़े भयंकर है। हाँ, एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा कि कब्ज और गैस अगर आपका बहुत पुराना हो गया है तो वो उसके वायु, सड़ी हुई वायु विकार से भी
हमारे दांतों को परेशानी होती है। और दांतों में बहुत खराबी आ गई हो तो अगर आप कब्ज को दूर कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। एक अद्भुत प्रयोग मेरे गुरुदेव किया करते थे, अगर आपको पायरिया हो गया हो और बार बार सूजन आ जाती हो तो ये नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में ये एक मिट्टी का पेड़ा है कि आप देखिए ये मिट्टी का पेड़ा है, चाहे इधर से देंगे चाहे इधर से देंगे इस मिट्टी के पेड़, ये मिट्टी का पेड़ा बहुत सरल है। आप शुद्ध मिट्टी गांव से मंगा लीजिए या अपने शहर के पास दूर जाके थोड़ा सा 3-4 फुट के नीचे की मिट्टी ले आवें और उसको छत में धूप में 2-4 दिन के लिए सुखाने को डाल दें और उसमें अगर संभव हो तो नीम की पत्तियों को उबाल करके उसका पानी छान करके ऐसे ही उसमें मिट्टी में डाल दीजिए और ऐसे ही पेड़ा बना लीजिए। इसका नाम है मिट्टी का पेड़ा। अब पेड़ा का मतलब नहीं कि आप उसे शक्कर डाल दें, तो शक्कर नहीं डालनी है, शुद्ध मिट्टी का पेड़ा है, इसको नीम के पानी से बना लें तो और ज्यादा प्रभावशाली है, और न बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस दो को सवेरे मुंह में डाल लीजिए और 10-15 मिनट में ये मिट्टी का पेड़ा लाल से मिलके खूब भर जाएगा मुंह और खूब जीभ के द्वारा दांतों को आप पहुंचा दें और या हाथ उसको कुल्ला करके हाथों से मांझ दें। भयंकर सा भयंकर पायरिया 20 दिन से 40 दिन में ठीक हो जाएगा। इसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं है, कुल मिट्टी लाने का प्रयास है अथवा किसी नेचुरोपैथी हॉस्टल में चले जाइए, प्रायः मिट्टी का पेड़ा नेचुरोपैथी हॉस्टल में मिल जाता है, आप स्वयं बना लीजिए। ये मिट्टी का पेड़ा अगर आप दिन में अधिक कष्ट हो तो 3 बार, कम मध्यम कष्ट हो तो 2 बार और कम कष्ट हो तो 1 बार। मुझे याद है कि आज से 40-50 साल पहले जब मैं क्षेत्र में आया था तब मुझे भी पायरिया था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था कि रात को अच्छी प्रकार से दांत साफ करके सोना चाहिए, किसी ने बताया भी नहीं, ना कहीं हमको बीएससी एमएससी और इंटर में पढ़ाया गया। तो मुझे मेरे गुरुदेव ने, तो स्वामी एक मेरे गुरुदेव है स्वामी साधनानंद जी, प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत अद्भुत जानकार थे, बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने मुझे जब मैंने बताया कि गुरु जी मुझे दांतों में पायरिया है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने मिट्टी का पेड़ा मुझे बनाने की विधि बताई और बना के दे भी दिया और मैंने लगभग 30 दिन मिट्टी के पेड़े का प्रयोग किया बिना शक्कर डाले हुए और मेरे दांत आज भी इस 70+ में ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, दांतों का दुश्मन है सफेद चीनी, चॉकलेट, ये मिठाइयां, इनको न खाएं तो श्रेष्ठ है। अगर आप कबाओ बस परिस्थितियों बस खा लें तो बाद में दांतों को साफ करना खूब न भूलें। हाँ, एक बात बहुत है कि लोग आजकल तुलसी की पत्ती खूब तोड़ तोड़ करके इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में चबा चबा के खाते हैं। हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में तुलसी की पत्ती को चबा के खाना मना है, तुलसी की 4-5 पत्तियों की गोली बना लीजिए और मुंह में रख करके आप पानी के साथ गटक लीजिए, क्योंकि तुलसी की पत्ती में पारा होता है और पारा दांतों को नुकसान करता है। प्राचीन काल में तुलसी की पत्ती के माध्यम से ही गोल्ड बनाने की परंपरा थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, इनको चबा चबा के खाने से बहुत लाभ होता है, लेकिन इनको खाने के बाद भी दांतों को अच्छी प्रकार से पानी से साफ करना न भूलें। अगर दांत में कीड़े पड़ गए हैं तो एक हर्बल आती है आक, एक पत्ता होता है, पेड़ होता है, अकौवा कहते हैं हम लोग गांव में, आक के दूध की कुछ बूंदें जिस दांत में कीड़े लगे हैं उसमें आप लगा दें या डाल दें
और लार गिरने दीजिए, थोड़ी देर में कीड़ा मर के बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से आप पान में कपूर का छोटा टुकड़ा लपेट दीजिए, कीड़ा लगे दांत में उसको दबा दीजिए, रख दीजिए, इससे भी खूब लार गिरेगी और कीड़ा मर के बाहर निकल आता है। अजवाइन की भाप, हम लोग प्राचीन काल में छोटे थे तो एक घड़ा होता था मिट्टी का, उसको ऊपर से छेद कर देते थे और नीचे से अजवाइन की हम लोग भाप बनाते थे और उसके मुंह में ढक के, उसके मुंह में लगा के 10-15 मिनट लगाए रखते थे, तो उससे भी कीड़े मर जाते थे। और एक हम आपको बता दें, लौंग का तेल अगर दांत में बहुत दर्द हो रहा हो और गर्म पानी के कुल्ला करने से भी ठीक ना रहो रहा, तो लौंग का तेल मिल का फीजा रखने से भी बहुत आराम मिलता है। और यदि आप चुंबक चिकित्सा का ज्ञान रखते हैं और दांत में बहुत दर्द है तो ये एक होता है मीडियम मैग्नेट। अगर इन्फेक्शन है, मान लीजिए यहां ऑप्शन है, तो आप ये जो नीला वाला है, चूंकि ये एंटी इन्फेक्शन गुण वाला है, ऐसे आप 10-15-20 मिनट रखे रहें या इस प्रकार से लेट जाएं कि आप लेटे भी रहें और इसके सामने मीडियम चुम्बक का, प्रीमियर चुम्बक का नॉर्थ पोल लगा रहे 15 मिनट आधा एक घंटे या सो जाइए, तो भी दांत ठीक हो जाता है। अगर संक्रमण नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, अन्य किसी कारण से दर्द है, तो नॉर्थ पोल इसमें लगाते हैं। इसकी बहुत से सिमचान है, अगर 10-15 मिनट में नीला लगाने से दर्द ना शांत हो तो आप लाल लगा दीजिए, और अगर बहुत दर्द हो तो एक हाई मैग्नेट आता है 3000 गॉस का, इसके लगाने से 8-10-15-20 मिनट में ही इन्फेक्शन का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन का दर्द नहीं है तो लाल वाला चुम्बक लगाइए। दांतों की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना हृदय की रक्षा करना, फेफड़ों की रक्षा करना, मस्तिष्क की रक्षा करना। क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो सारे दांत निकलवा दिए हैं और जब तक नकली दांत नहीं लगवाया उनके गाल सब चिपक गए थे। तो इसलिए नकली दांत तो नकली दांत है ही हैं। तो मैं आपसे यही समझाऊंगा कि दांतों की रक्षा के लिए आप लोग ठीक से मुख शुद्धि करें। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।